हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिवाली के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो ये मेरा दिवाली का ड्रेस है। तो इसके साथ मैंने इयररिंग्स मैच करके लिया है, तो काफ़ी बड़ा सा इयररिंग्स और बहुत ही प्यारा सा मुझे लगा। तो मैं सोची क्यों ना आपको एक वियर फिट भी दिखा दूँ, आउट फिट। और ये काफ़ी खूबसूरत सा मुझे ड्रेस लगा, तो मैं सोची इसको दिवाली पे मैं पहनने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं फटाफट मेकअप करने जा रही थी, तो मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मुझे मेकअप करते करते आप लोगों से बातें करना, आप लोगों को चीज़ें दिखाना। तो यहाँ पर मेरी जो पसंद की चीज़ें थी मैं वो लगा रही थी। लैक्मे का मुझे सनस्क्रीन था, तो काफ़ी अच्छा सा मुझे लगा, मुझे वो मैं वो अपने फेस पर अच्छे से लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी शाइनी सा हो जाता है। मैं जब भी फेस पर कुछ भी लगाती हूँ ना, काफ़ी अलग सा जो चेहरा है ना लाइट करता है। और मुझे मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं दिन जो भी मेकअप मैं अपने फेस पे करती हूँ ना, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो ये गाइस देखो कितना खूबसूरत सा मेरा चेहरा लगने वाला है। और ये दिवाली आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आ, बहुत ही सुंदर सा दिवाली मेरा मना। और मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, मुझे ये कल डालना था बट मैंने ये आज डाला। तो मैंने आईलाइनर भी लगाई और इसके साथ साथ मैंने आउटफिट के हिसाब से मैंने आई शेडो भी मैच करके लगाया, तो काफ़ी प्यारा सा कलर सा लग रहा था, ओनियन कलर टाइप का, हल्का पर्पल, मतलब दोनों मिक्स कलर का करके मैं लगाई थी और काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। आप देख रहे हो ब्रश से जो है ना काफ़ी चीज़ें मेल्ट हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो ये इस तरह से मैंने ब्रश से मेल्ट करके अच्छे से लगाया। तो और भी आगे जो है ना, जैसे कि आईलाइनर, जब भी मैं आईलाइनर लगाती हूँ ना, तो मुझे जो है ना आईलाइनर लगाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगता है। तो मैं जो है ना, मैं डायरेक्ट कैमरा देख के, मैं अपने मोबाइल देख के मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो जो मेरे सामने एक मिरर था, मैं उसके सामने ऐसे आगे आके मैं इस तरह से लगा रही थी। तो ये मेरा आज का दिवाली लुक था, कल का काफ़ी अच्छा सा मुझे लगा। तो गाइज़ प्लीज़ जो भी नए हो ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को ना मेरे जो भी वीडियोस है ना उसको आप शेयर किया करो और बहुत सारा प्यार दिया करो, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और आप लोग मुझे देख सको प्यारी प्यारी वीडियोस में। तो ये मेरा दिवाली लुक था। तो आप लोग फटाफट कमेंट करो, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर कुछ भी नहीं लग रही हूँ। और यहाँ पर मैं ना फटाफट अच्छे से पहले फेस पर जो फाउंडेशन अभी लगाना बाकी था, तो एब्जॉर्ब होना बाकी था, तो फिर मैंने उसको फाउंडेशन पाउडर से को अच्छे से एब्जॉर्ब किया। फिर मैंने है ना ब्लश लगाया, जो कि मेरा पिंकी पॉन्ग की जो है ना ब्लश मेरा फेवरेट है। तो मैंने उसको अच्छी तरह से लगाया, देख सकते हो कि मैं कितनी सुंदर से दिख रही हूँ ना। सब जल्दी जल्दी कमेंट करो, कोई रुको मत। अब जब भी ब्लश लगाओ ना, तो थोड़ा स्माइली फेस करो, ताकि आपका जो फेस पे ब्लश लगे ना वो बिल्कुल नेचुरल सा ब्लश लगे। तो यहाँ पे मेरा जो फेवरेट है ना फेस पे कलर, ओ माय गॉड, हाईलाइटर। ओ गाइस, कभी भी आप ना मेकअप करना और उसके बाद आप हाईलाइटर लगाना, हाईलाइटर लगाने के बाद जो आपका फेस का लुक जो है ना वो देखने लायक होगा। तो ये देख सकते हो कि मतलब एक नेचुरल फेस जो होता है ना, वो हाईलाइटर लगाने के बाद आपका चेहरा जो है ना काफ़ी सुंदर सा नेचुरल सा दिखता है। और यहाँ पे मेरा जो है ना शुगर पॉप जो होते हैं ना, उसके मैंने लिपस्टिक लगाई और काफी सुंदर सा लिपस्टिक लगा है। तो गाइस, ये था मेरा दिवाली का आउटफिट लुक। तो देख सकते हो कि मैं कितनी सुंदर सी लग रही हूँ। और यहाँ पे मेरा जो फेवरेट है बिंदी लगाना, तो ये मैंने बिंदी मैच करके लगाया। और ये मेरा बड़ा बड़ा झुमका, जो कि बरेली के बाजार से मैं नहीं लेके आई हूँ, मैं अपनी मार्केट से लेके आई हूँ, और ये मेरे आउटफिट के साथ मैच किया था। तो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।